आज हम लोग मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज करेंगे। इससे पहले हम लोग मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ एसेट्स कर चुके हैं, तो आज का टॉपिक हम लोग ले रहे हैं मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एसेट्स और लायबिलिटीज समझ में आना ही आना चाहिए। एसेट्स और लायबिलिटीज के मीनिंग और टाइप्स को कर लेने से बहुत आसानी हो जाएगा अकाउंटिंग करना। तो मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ एसेट्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में, पिछले क्लास में। आज हम लोग मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज करेंगे, लायबिलिटी के मीनिंग को समझेंगे और लायबिलिटी के टाइप्स को समझेंगे। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एसेट्स का मतलब क्या था, एसेट्स का मतलब था कोई भी चीज जो अपना हो, चाहे वो अपने पास हो या अपने पास ना हो, वो एसेट्स होता है, अपना होना चाहिए वो, जिसको आप कह सकते हैं दिस इज माइन, ये मेरा है, जिस पे आपका मालिकाना अधिकार होता है, ओनरशिप होता है, उसको आप एसेट्स कहते हैं। लेकिन लायबिलिटी की बात करें तो लायबिलिटी एसेट्स का ठीक उल्टा हुआ, है ना। लायबिलिटी को हिंदी में दायित्व कहते हैं, एसेट्स को हिंदी में संपत्ति कहते हैं। अभी लायबिलिटी जो है एसेट्स का ठीक उल्टा हुआ, ठीक अपोजिट है, है ना, जस्ट अपोजिट है। एसेट्स और लायबिलिटी एक दूसरे के अपोजिट हैं। एसेट्स में होता है कि अपना होना चाहिए, है ना, उस पर अपना ओनरशिप होना चाहिए, खुद का ओनरशिप, जिस चीज पे आपका मालिकाना अधिकार है, ओनरशिप है, वो आपका एसेट्स है। लेकिन लायबिलिटी में क्या है, लायबिलिटी में उल्टा है, जिस पे आपका मालिकाना अधिकार नहीं है फिर भी आपके पास है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। आप जिससे आप क्या करते हैं कि किसी से गुड्स उधार खरीदते हैं, है ना भाई, सप्लायर से आप गुड्स उधार खरीदते हैं, परचेज करते हैं, मशीनरी वगैरह परचेज करते हैं उधार में। अगर कैश देकर के परचेज किए तब तो वहाँ पे क्लियर हो गया, लेकिन अगर क्रेडिट पे परचेज किए तो क्या हुआ, जिस पर्सन से आप क्रेडिट पे परचेज किए या जिस शॉप से, जिस ऑर्गेनाइजेशन से, वो शॉप का आपके बिजनेस के ऊपर, आपके ऊपर अमाउंट ड्यूज हो गया, है ना। तो ये जो सामने वाला जो पर्सन होगा उसको आप क्रेडिटर कहेंगे, है ना, वो क्या हो गया आपके लिए क्रेडिटर। क्रेडिटर जो है आपके लिए क्या है, लायबिलिटी है, है ना, उसका आपके ऊपर कर्ज हो गया, है ना। ये जो कर्ज हुआ आपके ऊपर, उसका 50,000, 60,000, 1,00,000, 2,00,000 रुपया जो भी ड्यूज हुआ, है ना, वो उसने आपको उधार में सामान दिया, ये क्या है आपके लिए एक कर्ज है, लायबिलिटी है, लोन है, है ना, ड्यूज आपके ऊपर हो गया। कोई भी अमाउंट, है ना, बहुत सिंपल है लायबिलिटी, कोई भी अमाउंट जो आप किसी दूसरे से कैपिटल के रूप में, लोन के रूप में, है ना, बिजनेस के बात हम लोग करें, बिजनेस में क्या होता है, कैपिटल भी जो होता है लायबिलिटी होता है, बिजनेस के लिए कैपिटल भी जो होता है, है ना, कैपिटल भी जो होगा वो लायबिलिटी होगा। कैपिटल की बात करें तो कैपिटल भी क्या लायबिलिटी है बिजनेस के लिए, है ना। ओनर जो होता है बिजनेस में क्या होता है, हम लोग एक प्रिंसिपल पढ़ते हैं, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल क्या बताता है कि ओन अकाउंटिंग करते समय क्या करना है, आपको ये सोच रख के चलना है कि बिजनेस की अपनी एक आइडेंटिटी है, है ना। और ऐसे भी रजिस्टर्ड, जब बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो बिजनेस का सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाता है, बाई लॉ जो है बिजनेस को अपनी एक आइडेंटिटी मिल जाती है, वहाँ पे उसका जो है, उसके ओनर, इवन उसका ऑनर है, है ना, जो उस बिजनेस को स्टार्ट किया उसको भाई कंट्रोल कर रहा है, उसका जो मैनेजर है जो उस बिजनेस को चला रहा है, इम्प्लॉई है, क्रेडिटर है, गवर्नमेंट है, इन सब से, किसी भी बिजनेस का उसके ओनर, क्रेडिटर, सप्लायर, मैनेजर, इन सब से अलग एंटिटी होता है। हर बिजनेस की अपनी एक पहचान होती है। तो क्या है, ऑनर भी अगर बिजनेस में, इसी कंसेप्ट के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, ऑनर जब अपने बिजनेस में अमाउंट लगाता है, है ना, या अपने बिजनेस से अमाउंट विड्रॉ करता है, तो वो भी रिकॉर्ड करते हैं कैपिटल और ड्राइंग के रूप में। तो क्या है कि कैपिटल को भी आप बैलेंस शीट बनाए होंगे कभी, तो बैलेंस शीट में आप क्या करते हैं, क्रेडिटर, लोन, इन सब को तो आप लायबिलिटी साइड में दिखाते ही हैं, और कैपिटल को भी लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। कैपिटल भी बिजनेस के लिए लायबिलिटी होता है। हाँ, बस ये है कि कैपिटल जो ऑनर का पैसा है वो बाद में भी रिटर्न करेंगे, नहीं भी रिटर्न करेंगे तो चलेगा, लेकिन क्रेडिटर, बिल पेबल, इन सबको लौटाना ही लौटाना है एक टाइम के अंदर। तो क्या है, वो उन सबको बिल पेबल, क्रेडिटर, ये सब एक्सटर्नल लायबिलिटी हो गया, लेकिन ओनर का जो पैसा लगा हुआ है, कैपिटल लगा हुआ, वो इंटरनल लायबिलिटी हो गया, बट कैपिटल भी लायबिलिटी होता है। तो क्या है, कोई भी अमाउंट जो आप किसी से भी, किसी भी पर्सन से, पर्सन में कोई ह्यूमन भी हो सकता है या ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, जैसे आप बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है,
वहां पे आप बैंक से लोन ले रहे हैं, है ना, मैनेजर या क्लर्क से नहीं है, मैनेजर ही आपके लोन को पास करेंगे, है ना भाई, आपको क्लियर करेंगे कि हाँ भाई आपको लोन ऑथराइज, ये परमिशन देंगे कि लोन आपको मिलेगा। लेकिन क्या है, वहां आपको बैंक के नाम से लोन मिलेगा। तो क्या है, बैंक जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो भाई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है वो पर्सन, है ना, किसी भी पर्सन से, चाहे वो ह्यूमन हो या ऑर्गेनाइजेशन हो, जब आप उससे लोन के रूप में, कैपिटल के रूप में, ड्यूज के रूप में, क्रेडिट के रूप में, जो भी अमाउंट लेते हैं, जो भी अमाउंट, है ना, चाहे आप 1 रुपया ले या 1 करोड़ रुपया ले, आप जो भी अमाउंट अपने बिजनेस के लिए लेते हैं, है ना, घर, हम लोग डेली लाइफ में अपने डोमेस्टिक पर्पस में भी, डोमेस्टिक, है ना, घरेलू जीवन में भी, डोमेस्टिक लाइफ में भी क्या करते हैं, अपने घर के लिए दूसरे से उधार सामान लेते हैं, है ना, जैसे किराने दुकान से हम लोग घर के राशन को लेते हैं उधार, कभी कभी लेते हैं, महीने में एक बार पेमेंट देते हैं, महीने 2 महीने में, तो वहाँ महीने जब तक कि हम लोग उनका पेमेंट ना देते तब तक उनका आपके ऊपर उधार हो गया, है ना, क्रेडिट हो गया आपके ऊपर, उनका अमाउंट ड्यूज हो गया, तो आपके लिए लायबिलिटी होगा। तो ऐसे ही बिजनेस में भी क्या है कि भाई बिजनेस में भी हम लोग लोन लेते हैं, ओनर से कैपिटल लेते हैं, बैंक से या फिर और किसी पर्सन से, अपने फ्रेंड से, अपने वाइफ से, अपने ब्रदर से, है ना, फादर से। बिजनेस में क्या होता है, ओनर को जब, भाई ओनर जब अमाउंट लगा रहा है वो जब जो है लायबिलिटी होगा, तो ओनर के जो फादर हैं, ओनर के जो ब्रदर हैं, उनसे भी अगर कुछ अमाउंट लिया जाएगा वो भी लायबिलिटी होगा, लोन के रूप में लिया जा रहा है। भाई सप्लायर से आप क्रेडिट पे गुड्स खरीद रहे हैं या मशीनरी वगैरह ले रहे हैं, है ना, तो वो भी आपका लायबिलिटी होगा। कोई भी अमाउंट बिजनेस में, कोई भी अमाउंट जो आप किसी दूसरे से, किसी भी पर्सन से, चाहे वो पर्सन ह्यूमन हो या ऑर्गेनाइजेशन हो, आप उससे कैपिटल के रूप में, लोन के रूप में, है ना, एकदम बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, कैपिटल के रूप में, लोन के रूप में, या फिर क्रेडिट के रूप में, क्रेडिट मतलब यहाँ उधार है, डेबिट क्रेडिट वाला नहीं, यहाँ पे क्रेडिट का मतलब क्या, उधार, उधार लिए आप पैसा, उधार लिए, उधार में सामान खरीदते हैं हम लोग, क्रेडिट पे गुड्स खरीदते हैं या मशीन वगैरह खरीदते हैं, तो है ना, ड्यूज हो गया। बहुत सिंपल है, यही बात यहाँ हम लिखे हैं। पहले तो सिंपल वर्ड में अगर बात करें, है ना, बिना कोई बिजनेस के व्यू से हम लोग बात करें सिंपली, है ना, एसेट लायबिलिटी ऐसा वर्ड है जो कि डेली लाइफ में यूज होता है, है ना, प्रॉपर्टी, हम लोग एसेट्स को डेली लाइफ में प्रॉपर्टी, संपत्ति, ये सब तो कहते ही हैं, और लायबिलिटी को हम लोग कर्ज वगैरह के नाम से बोल देते हैं, लायबिलिटी नहीं बोलते डेली लाइफ में। यही बिजनेस में जब आप बात करते हैं तो बिजनेस में थोड़ा ऑफिशियली हम लोग बात करते हैं एसेट लायबिलिटी। तो क्या है भाई, सिंपली अगर बात करें तो कोई भी अमाउंट जो कि आप बोरो किए, बोरो मतलब क्या होता है, उधार लेना, है ना, आप उससे उधार लिए, आपका उसके, आपके ऊपर, आपके बिजनेस के ऊपर किसी का बकाया हुआ, आप उससे उधार लिए तो बकाया हुआ, तो बोरोड मतलब उधार लेना, है ना, कोई भी अमाउंट, है ना, द अमाउंट बोरोड फ्रॉम एनी पर्सन, है ना, किसी भी पर्सन से, चाहे वो ह्यूमन हो या ऑर्गेनाइजेशन हो, किसी भी पर्सन से आप कोई भी अमाउंट अगर बोरो किए हैं तो वो क्या कहलाएगा, आपका लायबिलिटी होगा, है ना, आपके ऊपर किसी दूसरे का पैसा बकाया हो गया, उधार हो गया। यही बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सेम यही बात लिखे हैं कि अमाउंट बोरोड बाय द बिजनेस, बिजनेस के द्वारा किसी भी दूसरे आदमी से, किसी से भी, किसी भी पर्सन से, है ना, चाहे वो ओनर हो या लेंडर हो, लेंडर मतलब कर्ज देने वाला, कर्जदार, है ना, सप्लायर हो, बैंक हो, भाई एम्प्लॉयज हो, एम्प्लॉयज का क्या हो सकता है, एम्प्लॉय आपके यहाँ जॉब किया, सर्विस दिया, उसका आप सैलरी नहीं पे किए हैं, भाई सैलरी आप आउटस्टैंडिंग रखे हुए हैं, है ना, तो ये आउटस्टैंडिंग सैलरी भी क्या होगा, बिजनेस के लिए लायबिलिटी होगा, बिजनेस के ऊपर एम्प्लॉय का पैसा बकाया हो गया। लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड का मतलब मकान का मालिक, जिसके मकान में आप क्या कर रखे हैं, अपना बिजनेस कर रखे हैं, है ना, बिजनेस के लिए क्या है, आप रेंट के बिल्डिंग में भी अपना बिजनेस करते हैं, तो रेंट के बिल्डिंग में अगर आप बिजनेस किए हुए हैं तो क्या है कि आप सपोज जो है आप उसका रेंट टाइम पे नहीं किए हैं, टाइम कंप्लीट, मंथ कंप्लीट हो गया है, है ना, लेकिन फिर भी आप उसका रेंट नहीं पे किए, रेंट आउटस्टैंडिंग रखे हुए, ड्यूज रखे हुए हैं, तो रेंट अगर ड्यूज रखे हुए तो वो भी आपके लिए लायबिलिटी होगा, रेंट बकाया रखे हुए हैं तो, है ना, आप बिजनेस के, आपके बिजनेस के ऊपर, आपके ऊपर जो है मकान मालिक का किराया बकाया हो गया, पैसा बकाया हो गया।
गवर्नमेंट का क्या लायबिलिटी हो सकता है? गवर्नमेंट का टैक्स बनता है आपके बिजनेस के ऊपर, आप उसको टैक्स नहीं पे किए हैं, या गवर्नमेंट कोई फाइन वगैरह आपके ऊपर लगाया, आप फाइन टाइम पे नहीं पे किए हैं, तो ये सब गवर्नमेंट का लायबिलिटी हो सकता है। गवर्नमेंट का आपके ऊपर लायबिलिटी हो सकता है, गवर्नमेंट का आपके ऊपर पैसा ड्यूज हो सकता है, तो वो भी आपके बिजनेस के लिए लायबिलिटी हुआ। इन्वेस्टर, इन्वेस्टर लोग है ना जो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। जब आप बड़े रूप में कंपनी के रूप में बिजनेस करते हैं तो कंपनी में क्या होता है, कंपनी में आप किसी भी पब्लिक को कह सकते हैं, किसी भी पर्सन को कह सकते हैं अपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, पैसा लगाने के लिए। वो कैपिटल के रूप में भी आपके बिजनेस में लगा सकता है, लोन के रूप में भी लगा सकता है ना। कंपनी में पब्लिक कंपनी होता है, कंपनी में कभी पढ़ेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ कंपनी, तो कंपनी में एक होता है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी को ये परमिशन मिला होता है कि वो किसी भी पर्सन को है ना पब्लिक नामी, इसलिए उसका नाम पब्लिक कंपनी पड़ा, कि वो किसी भी पब्लिक को, पब्लिक मतलब क्या, जिसको वो जानता भी नहीं, अननोन पर्सन है ना, किसी भी अननोन पर्सन को, चाहे वो अपनी कंट्री का हो, अपने कंट्री के बाहर का हो, है ना, थ्रू शेयर मार्केट है ना, किसी भी पब्लिक को आप इनवाइट कर सकते हैं कि हाँ भी मेरे कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करो, है ना, लोन या कैपिटल किसी भी रूप में। तो आप वो लोग जब आपकी कंपनी में पैसा लगाएंगे तो वो इन्वेस्टर कहलाएंगे, वो आपके यहाँ पैसा लगाए, तो वो लोग का भी पैसा जो होगा आपके बिजनेस के लिए लायबिलिटी होगा। तो भाई कोई भी अमाउंट जो कि बिजनेस के द्वारा बोरो किया गया किसी भी पर्सन से, है ना, किस रूप में, कैपिटल के रूप में, लोन के रूप में, क्रेडिट के रूप में, ड्यूज के रूप में, तो ये क्या कहलाएगा, लायबिलिटी कहलाएगा। ये आपका अपना नहीं है, आपके पास ये पैसा है ना, लेकिन ये आपका अपना नहीं है। एसेट्स में क्या था, वो आपका अपना होता है चाहे आपके पास हो या नहीं हो, है ना, लेकिन लायबिलिटी में क्या है कि आपके ऊपर दूसरे का पैसा, ये आपके पास है, आपके पास ये पैसा है, फिर भी क्या है, ये आपका नहीं है, ये दूसरे से आप उधार लिए हैं, कर्ज लिए हैं, लोन के रूप में लिए, कैपिटल के रूप में ये लिए हैं, तो क्या है, ये आपका लायबिलिटी है जो आपका अपना नहीं है, है ना, वो लायबिलिटी, और जो आपका अपना है वो एसेट्स है ना, जिसको आप कह सकते हैं दिस इज माइन, लेकिन इसको आप नहीं कह सकते कि ये मेरा है, ये आप दूसरे से उधार ले रखे हैं, कर्ज ले रखे हैं, ये आपका लायबिलिटी होगा। तो अभी क्या है भाई, लायबिलिटी जो होता है, कहिए तो लायबिलिटी जो है, लायबिलिटी के थ्रू क्या है, आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, है ना, स्टार्ट करने के लिए और बिजनेस को रन करने के लिए आपको फाइनेंस मिल जाता है, पैसा मिल जाता है ना, इसी यही पैसा, अगर कैपिटल ना लगाया जाए, ओनर अगर बिजनेस में कैपिटल ना लगाए तो बिजनेस स्टार्ट होगा, है ना, आपको लोन और पैसे की जरूरत पड़ी तो और लोन वगैरह क्रेडिट पे सामान वगैरह ना ले तो बिजनेस रन हो पाएगा, बिना पैसे के बिजनेस कैसे रन होगा। फाइनेंस मतलब क्या भाई, बिजनेस को चलाने के लिए जो आपको पैसा चाहिए, है ना, फाइनेंस के बिना बिजनेस कैसे स्टार्ट होगा, स्टार्ट ही नहीं हो सकता है, रन करना तो बहुत दूर, बिजनेस को स्टार्ट करने, रन करने, बिजनेस को ग्रो करने के लिए, है ना, बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या है, आपको पैसे की जरूरत होगी ही होगी। बिना एडिक्वेट फंड, बिना सफिशियंट फंड, मतलब पर्याप्त जितना जरूरत है उतना अगर पैसा ना हो, फंड ना हो, फाइनेंस ना हो, तो आप बिजनेस स्टार्ट ही नहीं कर सकते, करीब कर पाएंगे, है ना, उसको रन करना तो बहुत दूर है। तो बिजनेस को स्टार्ट करने और बिजनेस को रन करने के लिए जो भी फाइनेंस चाहिए वो आपको कहां से मिलता है, लायबिलिटी के थ्रू तो ही मिलता है ना, कैपिटल के थ्रू, आपको ओनर पैसा लगाया बिजनेस में, लोन के थ्रू आपको कोई दूसरे पर्सन, बैंक या लेंडर से आपको पैसा मिला, तो बिना पैसे के आप स्टार्ट कैसे करेंगे, पैसा यही सबसे तो आपके बिजनेस में आ रहा है, तो क्या है, लायबिलिटी जो होता है वो आपको आपके बिजनेस को स्टार्ट करने और रन करने के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करता है। फिर क्या है, हाँ, लायबिलिटी जो होता है वो आपके ऊपर ऑब्लिगेशन क्रिएट करेगा, बोझ। एसेट्स में क्या था, एसेट्स में था कि राइट क्रिएट होता है, एक अधिकार वहां पे मिलता है आपको किसी से कुछ लेने का, लेकिन यहां पे क्या है, आपका ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन मतलब ड्यूटी, है ना भाई, ड्यूटी, ऑब्लिगेशन का सिंपल मतलब क्या हुआ, ड्यूटी, कर्तव्य, है ना, कि नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि भाई आप दूसरे का पैसा रखे हुए हैं उसको आप पे करेंगे, जो भी टाइम तय हुआ है उस टाइम पे करना है, लेट भी हो सकता है लेकिन पे करना है, तो क्या है भाई, आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, एक ड्यूटी होगा, कर्तव्य, है ना, आपके ऊपर एक भाई, ऑब्लिगेशन को हिंदी में बोझ कहते हैं, आपके ऊपर बोझ है, लायबिलिटी जो होता है वो बोझ होता है आपके, आपके बिजनेस के ऊपर, ये पे करना है, है ना, किसी दूसरे को पे करना है, ऐसा आपके ऊपर एक ड्यूटी क्रिएट होगा लायबिलिटी से।
अभी एग्जांपल में कैपिटल रिजर्व, रिजर्व या प्रॉफिट है ना, रिजर्व एंड सरप्लस भी बिजनेस के लिए लायबिलिटी होता है। रिजर्व मतलब क्या होता है, जब जब प्रॉफिट बिजनेस में अच्छा खासा होता है तो बिजनेस के है ना जनरल पर्पस या स्पेसिफिक पर्पस के लिए कुछ पैसा प्रॉफिट में से ही रख लिया जाता है बिजनेस में। प्रॉफिट किसका होता है, ओनर का होता है, लेकिन है ना प्रॉफिट पे असली हक किसका होता है, ओनर का होता है, लेकिन वो प्रॉफिट बिजनेस में ही रख लिया गया, पूरा नहीं, पूरा भी हो सकता है या उसका एक पार्ट भी हो सकता है बिजनेस में रख लिया गया एज रिजर्व, है ना। तो अब ये रिजर्व जो होगा ये भी बिजनेस के लिए लायबिलिटी होगा क्योंकि ये ओनर का पैसा था और बिजनेस में रख लिया गया, है ना। तो भाई रिजर्व और सरप्लस भी जो होगा वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी होगा, कैपिटल भी बिजनेस के लिए लायबिलिटी होगा, लोन हो गया, डिवेंचर, पब्लिक कंपनी की जब बात करेंगे तो पब्लिक कंपनी में जब पब्लिक से लोन के रूप में पैसा लिया जाता है, है ना, लोन के रूप में, तो वहां पे जो रिटेन डॉक्यूमेंट बना के दिया जाता है वो डिवेंचर कहलाता है, ये भी आपके लिए लायबिलिटी होगा बिजनेस के लिए। बॉन्ड हो गया, डिवेंचर के जैसा ही है, थोड़ा सा बस डिफरेंस होता है, ये भी एक रिटेन डॉक्यूमेंट होता है, जब किसी से लोन के रूप में पैसा लेते हैं तो वहां पे पेपर बना के देते हैं, बॉन्ड कहलाता है। पब्लिक डिपॉजिट, पब्लिक से डिपॉजिट के रूप में पैसा लेना, जैसे सहारा इंडिया कंपनी हो गया या बैंक्स वगैरह हो गया, ये सब क्या करते हैं, हम पब्लिक लोगों से अपने यहाँ डिपॉजिट लेते हैं कि नहीं, हम लोग जैसे सोच के देखिए, हम लोग बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं, चाहे वो करंट अकाउंट के थ्रू या फिक्स डिपॉजिट अकाउंट के थ्रू, सेविंग अकाउंट के थ्रू पैसा डिपॉजिट करते हैं बैंक में। बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं तो हमारे लिए एसेट होता है क्योंकि हमारा पैसा बैंक में जमा हुआ। लेकिन बैंक के लिए सोचिए, सपोज आप ही का बैंक है, आप बैंक के व्यू से सोचिए, बिजनेस आपको, वो बैंक आपका बिजनेस है, तो बिजनेस बैंक में जो आपका पब्लिक लोगों ने पैसा जमा किया वो आपके लिए क्या होगा, लायबिलिटी होगा। तो क्या है, आप पब्लिक से जो डिपॉजिट लेते हैं बैंक में या कंपनी, अगर आपका ऐसा कंपनी है जहां पैसा डिपॉजिट लेना और पैसा लोन के रूप में देना यही आप काम करते हैं, तो आप पैसा डिपॉजिट के रूप में जब आप पब्लिक से लेते हैं तो वो आपके लिए लायबिलिटी होगा, आपके बिजनेस के लिए, उस बैंक के लिए लायबिलिटी हुआ। तो क्या है भाई, पब्लिक डिपॉजिट भी लायबिलिटी होगा, कोई प्रोविजन है ना स्पेसिफिक पर्पस के लिए, जब कुछ प्रॉफिट में से कुछ साइड में रखते हैं, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट या फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये सब लायबिलिटी हुआ। कोई फंड हो गया, स्पेसिफिक पर्पस के लिए भी पैसा जमा करके रखते हैं कि भाई वो काम करना है, जैसे बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए या फिर मैच वगैरह करवाने के लिए मैच फंड वगैरह, या फिर प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉयों के सैलरी में से डिडक्ट करके और कुछ अपने साइड से भी कंट्रीब्यूट करके हम लोग पैसा रखते हैं इंप्लॉयियों के नाम से, इंप्लॉयियों के नाम से अकाउंट ओपन करवा करके पैसा रखा जाता है, वो इंप्लॉयियों का होता है ना, जब चाहे है ना, एक सर्टेन स्पेसिफिक टाइम के बाद वो अपना अमाउंट निकाल भी सकते हैं, पीएफ, जिसको शॉर्ट में पीएफ कहते हैं। जॉब में अगर कोई पर्सन होंगे या फिर जॉब में किन्हीं के यहां कोई पर्सन होंगे तो वो समझ रहे होंगे, पीएफ सुनते होंगे कि हां भाई सैलरी से पीएफ इतना कटता है। तो क्या है भाई, प्रोविडेंट फंड इंप्लॉयियों का होता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, लायबिलिटी है बिजनेस के लिए। क्रेडिटर, जब आप सप्लायर से गुड्स क्रेडिट पे खरीदेंगे तो क्रेडिटर होगा, है ना, वही क्रेडिटर अगर रिटर्न पेपर बना के दे दिए कि यहाँ पे 2-3 महीने बाद आपका पेमेंट देंगे तो बिल पेबल होगा। फिर आउटस्टैंड, कोई भी एक्सपेंस जब आप आउटस्टैंडिंग रखते हैं, बकाया रखते हैं, आउटस्टैंडिंग मतलब ड्यूज, तो ये भी आपका लायबिलिटी होगा। कोई इनकम आपको एडवांस में मिल गया वो भी लायबिलिटी होगा। बैंक में अगर करंट अकाउंट रहेगा तो आप ओवरड्राफ्ट कर सकते हैं, अपने बैलेंस से ज़्यादा भी विड्रॉ कर सकते हैं, ये भी आपका लायबिलिटी होगा। तो इस तरह से लायबिलिटी का मीनिंग हुआ। अगर लायबिलिटी के टाइप्स की बात करें तो ओनरशिप के बेस पे लायबिलिटी को 2 भागों में बांटेंगे, ओनरशिप के बेस पे। अभी एक हुआ कि इंटरनल लायबिलिटी, दूसरा एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी को ओन फंड भी कहते हैं, ये ओनर का पैसा होता है ना, या फिर ओन सोर्सेज ऑफ फाइनेंस भी कह सकते हैं, या शेयर होल्डर फंड भी कहते हैं। और एक्सटर्नल लायबिलिटी को बॉरोड फंड, है ना, ये दूसरे से आप कर्ज के रूप में लिए हैं, ये दूसरे का है, ओनर को छोड़ करके, है ना, दूसरे से और जितने भी लोगों से आप पैसा लिए वो सब बॉरोड फंड। ओनर से जो पैसा लिए हैं वो ओन फंड, इंटरनल लायबिलिटी, और ओनर को छोड़ करके और किसी भी पर्सन का अगर कुछ बकाया है, ड्यूज है, लोन है बिजनेस के ऊपर, तो वो बॉरोड फंड, एक्सटर्नल लायबिलिटी, इसको बॉरोड सोर्स ऑफ फाइनेंस भी कह सकते हैं। तो भाई अभी ओन फंड का हम मीनिंग भी यहां दे दिए हैं कि कोई भी लायबिलिटी जो कि क्या है, किससे लिया गया, ओनर से लिया गया, बिजनेस के ओनर से,
वो क्या होगा, ओन फंड कहलाएगा, इंटरनल लायबिलिटी कहलाएगा, है ना। इसमें आपका कैपिटल आ जाएगा। यही अगर पार्टनरशिप रहेगा तो पार्टनर कैपिटल आप बोलते हैं, कंपनी रहेगा तो शेयर कैपिटल बोलते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रहेगा तो कैपिटल फंड बोलते हैं। इसी कैपिटल को सोल प्रोप्राइटरशिप में सिर्फ कैपिटल बोलते हैं, और यही पार्टनरशिप में पार्टनर कैपिटल बुलाने लगता है, कंपनी में शेयर कैपिटल बुलाता है। तो कैपिटल जो होगा, चाहे वो किसी भी नाम से जाना जाए, वो क्या होगा भाई, ओन फंड में आएगा, है ना। इंटरनल लायबिलिटी होगा बिजनेस का, फिर रिजर्व हो गया, रिजर्व एंड सरप्लस, जिसको रिटेन अर्निंग भी बोलते हैं। रिटेन मतलब रखना, है ना, अर्निंग मतलब प्रॉफिट। प्रॉफिट जो होता है, कभी कभी बिजनेस में कुछ रख लिया जाता है, फ्यूचर में दिख रहा है कि बिजनेस को थोड़ा बड़ा करने के लिए सोच रहे हैं, तो पैसा रहेगा तब तो पैसा लेने का दो सोर्स हो गया। एक हो गया कि आप अपना पैसा भी लगा सकते हैं, दूसरा हो गया आप किसी से कर्ज भी ले सकते हैं। तो अपना पैसा लगाया तो ओन फंड हो गया, है ना, दूसरे से लिए हैं तो बोरोड फंड हो गया, है ना। लेकिन अपना पैसा भी बिजनेस के लिए लायबिलिटी होगा, बिजनेस के लिए। तो क्या है भाई, आपका जो प्रॉफिट हुआ, है ना, वो प्रॉफिट आप अपने काम भर निकाल लिए, और जो पैसा प्रॉफिट खूब ज्यादा हुआ है तो कुछ प्रॉफिट रहने दिए बिजनेस में, उसी पैसे से बिजनेस का काम करेंगे। फिर इसको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी कहते हैं, एक्यूमुलेटेड मतलब जमा करके रखना, या फिर बायबैक ऑफ प्रॉफिट भी कहते हैं, प्रॉफिट जो हुआ उसको वापस बिजनेस में ही लगा देना। तो मेनली दो ही चीज है ओन फंड में, कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। कैपिटल को बस इतने नाम से जानते हैं वो बताए हैं, और रिजर्व सरप्लस को इतने नाम से जानते हैं वो बताए हैं। दो चीज ही आपका जो है क्या है, बोरोड फंड में आता है, ये ओन फंड में आता है। अभी बोरोड फंड का बात करें तो आप ओनर को छोड़ के, एक्सेप्ट ओनर ऑफ द बिजनेस, ओनर ऑफ द बिजनेस को छोड़ करके किसी भी पर्सन से आप जो भी अमाउंट बोरो किए हैं, कर्ज लिए हैं, ड्यूज है, क्रेडिट पे है, वो सब एक्सटर्नल लायबिलिटी कहलाएगा, जिसमें ये सारे लायबिलिटीज आ जाएंगे। अभी ओन फंड को तो नहीं अब आगे फर्दर क्लासिफाई करना है, लेकिन है ना, बोरोड फंड जो होता है इनको फिर से दो भागों में बांटा जाता है टाइम के बेस पे। बोरोड फंड को टाइम के बेस पे दो भागों में बांटा जाता है, नॉन करेंट लायबिलिटी जिसको लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी कहते हैं, और करेंट लायबिलिटी जिसको शॉर्ट टर्म लायबिलिटी भी कहते हैं। नॉन करेंट लायबिलिटी का मतलब क्या हुआ, ऐसा लायबिलिटी जिसको एक साल से ज्यादा टाइम है पे करने के लिए। लायबिलिटी है भाई तो पे तो करना होगा, है ना, तो लायबिलिटी को पे तो करना ही करना है। तो लायबिलिटी जो, अगर ऐसा लायबिलिटी है जिसको पे करने के लिए मोर देन वन ईयर टाइम आपके पास है, आपके बिजनेस के पास है, मोर देन वन ईयर में उसको पे करना है, तो वैसे लायबिलिटी को नॉन करेंट लायबिलिटी कहेंगे, जिसमें ये सारे आ जाएंगे। और ऐसा लायबिलिटी जिसको पे करने के लिए लेस देन वन ईयर टाइम है, उसको करेंट लायबिलिटी कहेंगे, जिसमें ये सब आ जाएगा। अभी क्या है, अभी इसका बात करें टाइम के बेस पे, तो ये भी जो होगा ना, ये सब भी, इनको भी पे करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम होता है। ये तो भाई कंपनी वगैरह है, तो कंपनी वगैरह में तो ओनर का पैसा एक, है ना भाई, अगर इक्विटी शेयर कंपनी में, हम लोग पढ़ेंगे कभी कि इक्विटी शेयर होता है, इक्विटी शेयर का तो जब तक कंपनी चलता है तब तक पेमेंट नहीं होता है, शेयर में हम लोग पढ़ेंगे इक्विटी शेयर। तो भाई इनका पेमेंट तो सबसे लास्ट में होता है, लायबिलिटी में पहले किसका पेमेंट, है ना, इन सब का पेमेंट कम समय में कर देना होता है, इन लोग के लिए पेमेंट में थोड़ा ज्यादा टाइम होता है, इन सबके पेमेंट के बाद पहले इन सबका पेमेंट होगा। कभी भी अगर पेमेंट का सीक्वेंस अगर बनेगा तो इन सब का पहले पेमेंट होगा, आफ्टर दैट इनका पेमेंट होता है। तो क्या है कि भाई टाइम के बेस पे इनको दो भागों में बांटा गया, नॉन करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी। आप बैलेंस शीट बनाए होंगे कभी, तो बैलेंस शीट में क्या होता है, एक तो होता है कैपिटल रिजर्व वगैरह हो गया, ये सब भी लायबिलिटी है, फिर नॉन करेंट लायबिलिटी सारा आ गया, फिर उसके बाद करेंट लायबिलिटी आ गया, यही सारा आपका लायबिलिटी है। ये सब जो है ना सोर्स ऑफ फाइनेंस है, सोर्स ऑफ फाइनेंस में भी आप इस टॉपिक को सोर्स ऑफ फाइनेंस की तरह भी पढ़ सकते हैं। बिजनेस में ही फाइनेंस के लिए आपको बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, बहुत सारे सोर्स से आप बिजनेस में बिजनेस को स्टार्ट करने और बिजनेस को रन और एक्सपैंड करने के लिए फाइनेंस अरेंज कहाँ से करेंगे, क्या क्या सोर्सेज हैं, तो वो सब ये सारे हैं, है ना। ये सब अपना सोर्स हो गया, ओन सोर्स ऑफ फाइनेंस हो गया, ये सब बोरोड सोर्स ऑफ फाइनेंस हो गया। बोरोड में भी ये सब एक लॉन्ग टर्म वाले सोर्स ऑफ फाइनेंस हो गया, ये सब शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस हो गया।
तो सोर्स ऑफ फाइनेंस का टॉपिक जो कि बिजनेस स्टडी में आपको 11th क्लास के एक चैप्टर में मिलेगा, तो वहां पे भी सोर्स ऑफ फाइनेंस जो है, या कहीं पे भी आपके 12th में भी सोर्स ऑफ फाइनेंस आपका जो है फाइनेंशियल मार्केट में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको क्या देखने को मिलेगा, सोर्स ऑफ फाइनेंस वहां पे भी समझना है। तो सोर्स ऑफ फाइनेंस भी अगर कोई कभी टॉपिक डिस्कस कर रहे हो या सोर्स ऑफ फाइनेंस भी अगर समझ रहे हो तो उसके लिए भी आप लायबिलिटी को अगर समझते हैं तो सोर्स ऑफ फाइनेंस आप समझते हैं, है ना। ये सारे लायबिलिटी जो होते हैं वो यहाँ पे ही हम बोले हैं, मीनिंग में ही बोले हैं कि लायबिलिटी जो होता है वो क्या होता है, सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है। सोर्स ऑफ, है ना, बिजनेस को स्टार्ट करने और रन करने के लिए आपको फाइनेंस जो चाहिए वो आपको लायबिलिटी से मिलता है। तो भाई ये सब सोर्स ऑफ फाइनेंस में भी डिस्कस कर सकते हैं। फाइनली अगर बात करें तो लायबिलिटी के टाइप का, तो लायबिलिटी का पहला टाइप इंटरनल, दूसरा एक्सटर्नल। एक्सटर्नल को अगेन दो भागों में बांटते हैं, करेंट, नॉन करेंट, करेंट। पूरे लायबिलिटी को हम टाइप्स ऑफ लायबिलिटी को एग्जांपल के साथ, सबका एग्जांपल भी हम दिए हैं, एक एक पॉइंट को आप खुद से देख सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो तो आप जो है पूछ भी सकते हैं, कमेंट करेंगे, कमेंट में हम आपका रिप्लाई देंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आपको उसका एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हैं या फिर आपको अलग से भी हम बता सकते हैं कि हाँ भाई क्या कोई भी डाउट हो, है ना, आप अपना क्वेरी जरूर पूछें कि हाँ ये कैसे हुआ। एग्जांपल हम बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं एग्जांपल में, एक एक एग्जांपल को नहीं हम एक्सप्लेन कर पाएंगे, है ना, बहुत टाइम लग जाएगा। तो क्या है कि भाई आप उस पर्टिकुलर किसी जो नहीं समझ में है उसको आप पूछ सकते हैं। तो बस इतना ही आज हम लोग करते हैं, ये आप आज हम लोग टाइप्स एंड मीनिंग ऑफ लायबिलिटी कर लिए। नेक्स्ट क्लास में फिर इससे और कोई टॉपिक को लेकर के बात करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।